असी सारे दोस्तों मुख्यमंत्री पंजाब नूं सुण दे लई इत्थे सारे बैठे हाँ, पर प्रिंसीपल साहब की एक ख्वाहिश सी कि दो फनकार साडे सामने बैठे ने एक एक मिनट लई जे मुख्यमंत्री पंजाब इजाजत देण करमजीत अनमोल जी ते पम्मी बाई जी एक एक मिनट दे लई तुहाडे रूबरू होणगे। सब तो पहला मैं पम्मी बाई जी नूं बेनती करदा एक मिनट दे लई मंच ते आउणगे क्योंकि समा सीमित है। सो प्रिंसीपल साहब की ख्वाहिश है और एक फनकार की जो हैसियत वजो इस कॉलेज के सबका विद्यार्थी की हैसियत वजो साडे दरम्यान आए ने एक बार जोरदार ताड़ियां मार दो। अज शहीद आजम सरदार उधम सिंह के नाम के उत्ते बनिया ये सरकारी कॉलेज वो सरकारी सारे ही सबका विद्यार्थी नवे विद्यार्थी प्रिंसीपल साहबान टीचर साहबान सारे इस गल के उत्ते खुशी महसूस कर रहे हैं कि साढ़े इस कॉलेज के सबका विद्यार्थी जिन्होंने इन्हों मंचों तो अपना कैरियर शुरू किया ते अज बतौर पंजाब दे मुख्यमंत्री बन के साडे विच विराजमान ने। सो मैं अपने वालों तमाम पुराने विद्यार्थियों वालों कॉलेज वालों उन्होंने जिथे निघी जीवां आखदा हाँ खैर मकदम करदा हाँ वेलकम आखदा हाँ उत्थे माण महसूस कर रहा। इस कॉलेज के नाल ते साडी दोनों की सांझ है पर साडी पिंडां दी भी सांझ है। जगेपुर ते सतौज दे विच कोई बड़ा फर्क नहीं इन्हां दे स्वर्गीय पिता जी सरदार महेंद्र सिंह जो मेरे पिंड दे स्कूल दे विच ही जिन्होंने बतौर टीचर बहुत साल काम किया ते मेरे बड़े परम मित्र सन। मैं खुशी इस गल की है कि मैं कॉलेज के विच लीडरी की विद्यार्थी यूनियन च काम किया उस तो बाद पोलिटिकल पार्टी के विच काम किया ते मैं छड़ के कलाकार बन गया। सरदार भगवंत सिंह मान कलाकार बन के इतों निकले ते वो सियासत के सरमौर लीडर बन गए ने। सो इस गल की बधाई है ते अज ये मान मेरा छोटा भरा अमन अरोड़ा जी वो भी इतने संबोधन होके गए ने ते बहुत मानयोग ते सन्मानयोग शख्सियत वरिंदर जी MLA साहब भराज साड़ी भैन MLA संगरूर वाइस चांसलर साहब ADGP शीना साहब करमजीत अनमोल जी लाली जी ते सारे दोस्त अज इत्थे सुशोभित ने ते साडे पुराने कलाकार साडे पुराने कॉलेज के विद्यार्थी वह भी वड्डी तादाद दे विच पिछे सुशोभित ने। सो मान साहब मैनू अज याद है कि मैं एक बार जदों मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह बने तो दराहे कॉलेज के विच यूथ फैसटिवल सी मैं बतौर जज उत्थे कुर्सी ते बैठा तो उस कॉलेज के जो मैनेजमेंट के डॉक्टर ईश्वर सिंह होनी चेयरमैन सन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब अज तुसी पहली बार मुख्यमंत्री बन के अपने इलाके च अपने कॉलेज च आए हो ते नित नित नहीं बजारी आना बिलो खाले नाशपति उन्होंने बोली पाती ते सरदार बेअंत सिंह ने स्टेज ते चढ़ के कहा कि डॉक्टर साहब थोड़े मूहरे थान सुटिया भावे सुतन संभालो भावे रहेगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हुण करमजीत अनमोल जी नूं कि वह भी मंच ते आउण एक मिनट दे लई सारे स्रोतों के और मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब के रूबरू होणगे। पंजाब की वह शख्सियत जिन्होंने फिल्मां ते लोक गायकी च अपना नाम बनाया करमजीत अनमोल जी कैसे हो सुनाम वाले हो क्या बात है स्वाद ला दें इलाका इलाका ही होंगे। सो सब तो पहला मुख मेहमान जी प्रिंसीपल साहब प्रोफेसर साहबान ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब तो पहला मैं यही गल कहन लगा भी मैनू ऐ लगता भी मैं इतों गया ही नहीं अजे इत ही पढ़ रहा हूं अज मैं क्योंकि इसे लैक्चर स्टैंड तो इसे स्टेज तो
मेरी तो मान साहब की शुरुआत हुई सी। बाकी ये जिते प्रोग्राम उलीकिया गया सी उत्ते जदों पता लग्या तो मान साहब का फोन आया कि कॉलेज वालों कह दी, प्रिंसीपल साहब नूं कह दी, मैनेजमेंट नूं कह दी कि तुसी मंगा नहीं मंगनिया, तुसी अपने हक मंगने ने। मैं मंगा मंगण वाले कॉलेज होर ने, इत्थे थोड़ा हक बनता है। मैनू ऐ लगता भी मंगा भी बहुत थोड़ी ने, जिन्ना कुछ इन्होंने देके जाना है, हो सकता है तुहानूं पता ही ना हो। सो साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, साडे मानयोग मंत्री साहब अमन अरोड़ा जी, वरिंदर वकील जी, साडी भैण भरा जी उदनी जी, चेयरमैन साहब, सारयां नूं जी आया, जिन्हें साडे मित्र बैठे ने सारयां नूं जी आया, पम्मी बाई होणां नूं, लाली बाई होणां नूं। सो सारे जिन्हें भी ऑफिसर साहबान आए साडे मानयोग, इको मैनू जिन्हां कोल मैं पढ़िया मैडम शमशेर जी बैठे ने, और सानू माण है कि असीं इन्हां कोलों पढ़िया। सो बड़ा चंगा लगता जदों कॉलेज दे विच आउने आ। साडी जे दोस्ती की गल करिए, लाइब्रेरी के पिछे एक बोर्ड सीगा, बोर्ड के थले मेरी ते मान साहब की मुलाकात हुई सी पहली। तो बोर्ड दियां जिवें जड़ां डूंगियां हुंदियां ने, शायद साडी यारी दियां भी उस तरह जड़ां ने। शायद तां ही रब ने उस बब बनाया कि बोर्ड थले साडी यारी लगी। सो जदों कॉलेज पढ़ते सी, मान साहब दा जिहड़ा पंजाब प्रति दर्द सी, उन्हां दियां सकिटां चों, उन्हां दे गीतां चों झलकदा सी। जदों किते असीं कंपीटीशन लड़न जांदे, कई वारी भाषण मुकाबले हुंदे सी, ते एक हक च बोलदा हुंदा सी ते एक विरोध दे विच, ते जिहड़े लैक्चर लिखे जांदे सी, जे मैं हक च बोलना हुंदा तां इन्हां दे विरोध दे विच, उह दोनों लैक्चर इही लिख के दिंदे सी वी तूं मेरे विरोध इह बोलना है। सो इत्थे एक खंभा जिहा होऊगा, इत्थे लग्गिया हुंदा सीगा एक छोटा जिहा रेडियो हुंदा, उहदे रेडियो दे उत्ते ही सैल पाए हुंदे ते रबड़ दे नाल चढ़ाए हुंदे, ऐ खंभे नाल लगे खड़े हुंदे, कदे क्रिकेट दी कमेंटरी सुन रहे हुंदे। एक रगबी गेम है, सानू उहदा नाम भी लैणा नहीं आउंदा जदों उहदी कमेंटरी सुणदे हुंदे रेडियो ते। सो पहले दिन तो चाहे कोई दुनिया का कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा, चाहे कोई खेड का, किसी भी फील्ड का, इन्हों तो कोई लुकया नहीं हुंदा सी। जदों असी एक यह भी माण वाली गल है कि जिहड़ा बंदा सानू स्टूडेंटा नू सीट तो मिलती नहीं हुंदी सी, बस दे तो छत ते बैठ के आउंदे हुंदे सी, भी जिहड़े मुफ्त वाले ने उह छत ते बह जाओ। जिहड़ा बंदा छत ते बैठ के कॉलेज आउंदा सी, अज उह हैलीकाप्टर ते उतरिया, साडे लई सब तो वड्डी माण दी गल। सो जिहड़ा कॉलेज है, मेरा ख्याल है भी पंजाब का पहला कॉलेज होगा, नहीं तो जिन्हें भी मुख्यमंत्री होए ने, कोई लाहौर पढ़ते सी जां किते होर जगह पर पढ़ते सी, पर एक बहुत जिन्हों छोटा कस्बा समझा जाता है उस कॉलेज के विच, कई कॉलेजों के विच हुंदा साडे जो एन आई एस गए, एन ए पी सी एस गए, पर इत्थे पंजाब की सब तो वड्डी कुर्सी ते जो विराजमान ने इस कॉलेज ने वह चीज दिती है। सो सानू माण है कि साडे पिछड़े इलाके चों, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन आ सारे पुराने देखे होणगे, ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। सो बाकी काफी गल्लां नूं मान साहब भी दसणगे, साडे कॉलेज दे विच किवें कंपीटीशन ते लड़न जा, असीं कंपीटीशन लड़न जांदे हुंदे, साडे कॉलेज दे कोले ग्रांटां बहुत घट हुंदियां सी, सानूं बस दा किराया देण नूं भी नहीं हुंदा सी, असीं कोई ना कोई जगाड करके जांदे हुंदे असीं काफी। बाकी हुण मान साहब दसणगे, गीत कह रहे ने, चलो जी यारावे भी गाऊंगा, पर एक मान साहब ने लिखा जदों प्लस वन च हुंदे सीगे, इहनां ने मैं तां गाऊंगा ਉਹ ਵੀ ਗਾਊਂਗਾ, ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਗਾਊਂਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ,
होया की हाल साडा जांदे रहे ना असी मरदे सरुआ नू फुल आ गए है सरुआ नू फुल आ गए पर तू ना आई बे डर दे सरुआ नू फुल आ गए है सरुआ नू फुल आ गए। थैंक यू। सो जेड़ा गीत तो शुरुआत हुई मरहूम कवि संत राम दासी जी इनकलाबी कलम तो उपजिया गीत कमियां दा वेड़ा मां धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे मां धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े जिथे तंग ना समझ तंगिया जिथे मिलने अंगूठे संगिया जिथे वाल तरस दे कंगिया नक वगदे अखां चुनिया ते दंद करेड़े तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। थैंक यू जी। मानजोग बीसी साहब डीजीपी साहब और भी जिन्ने एसएसपी साहब डीसी साहब सारे आए सारे जी आया साड़ी जिन्नी मित्र मंडली है सारे जी आया। थैंक यू जी। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू।